नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि टैक्स पेयर द्वारा जो होम लोन लिया जाता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसका 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 80EE। इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर को होम लोन के इंटरेस्ट का एडिशनल 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है। इसका मतलब जो 2 लाख रुपए का डिडक्शन टैक्स पेयर इंटरेस्ट का क्लेम करते हैं उसके अलावा सेक्शन 80EE के अंतर्गत टैक्स पेयर 50,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट होम लोन इंटरेस्ट का ले सकते हैं। लेकिन इस सेक्शन के अंतर्गत जो 50,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट मिलता है उसके लिए कुछ कंडीशंस है जिसे यह समझना आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि जो होम लोन टैक्स पेयर ने लिया है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो और उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा उस लोन को फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के दौरान सैंक्शन किया हो तो ही इस सेक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि जो होम लोन टैक्सपेयर ने लिया है उस लोन की अमाउंट 35 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जिस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए टैक्सपेयर ने लोन लिया है उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस तारीख को होम लोन सैंक्शन हुआ है उस तारीख को टैक्सपेयर के नाम कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए तो ही टैक्सपेयर इस सेक्शन 80EE के अंतर्गत होम लोन इंटरेस्ट का एडिशनल 50,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।